अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे तमाम प्यारे बहन भाई के लिए हमेशा यही दुआ होती है, अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अभी टाइम भी तकरीबन 6:30 का हो चुका है और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, तो अभी काफ़ी टाइम वैसे पड़ा है। और माशाल्लाह से मौसम जो है इस टाइम काफ़ी बेहतर हो जाता है, सुबह को भी ठंडा होता है, बस दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और आज तो हवा भी चली हुई है, आज है ना मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जो है ना आज की वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें जो नए देखते हैं, वीडियो को लाइक भी क्या करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें। तो आज जो है ना मैंने माशाल्लाह से नया सूट पहना है, तो अक्सर आप लोग के भी यही कमेंट्स आते हैं कि आप लोग जो है ना गिफ्ट के कपड़े यूज़ क्या करें, इसे पहनने के लिए होते हैं। तो फिर उस दिन मैंने जब ये दो सूट निकाले थे, एक अम्मी का और एक मेरा, तो मैंने तो अपना सिलाई कर लिया है और अभी अम्मी का सिलाई होना रह गया है। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरा ये सूट मुझे कैसा लग रहा है और इसका दुपट्टा जो है ना वो सर पर नहीं खड़ता, दूसरी क्रेप का है ना इस वजह से। तो वैसे इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है ना इतना ज़्यादा पतला है, बस अच्छा है। तो आज जो है ना मैं आप लोग को बताऊंगी अपनी पेमेंट के बारे में। तो आप सब लोग के भी अक्सर कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा आज जो है ना इस पर आप वीडियो बना लेते हैं। पहले भी मैंने एक बार वीडियो शेयर की थी, तो आज दोबारा से आप लोग को जो है ना अपनी पेमेंट दिखा रही हूँ। तो आप लोग ने जो है ना वीडियो फुल वॉच करनी है। तो तकरीबन चैनल बनाए हुए मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा का अर्सा जो है ना गुजर गया है, तो मेरी पेमेंट जो है वो तकरीबन मुझे चैनल मोनेटाइज के 6 माह बाद मिली। वैसे तो 3 या 4 माह के बाद जो है ना मिल जाती है, लेकिन हमारा थोड़ा एप्लीकेशन हमने नहीं भेजी, 1-2 माह लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हमें पेमेंट जो है ना लेट मिली, बहुत ज़्यादा लेट मिली। तो इतनी ज़्यादा वैसे चैनल पर मैंने अच्छी वीडियोज़ भी नहीं बनाई, ज़्यादा मेहनत नहीं की, घर में ही बस कुकिंग की और घर में जो व्लॉग होते हैं बस वही शेयर किए, कभी बाहर नहीं गई, कभी जैसे पार्क जैसे जाते हैं, कभी होटल पर या कहीं घूमने बाग वगैरह में, तो कहीं भी वैसे नहीं गई बनाने वीडियोस, बस घर पे ही रही, या कोई फैमिली में फंक्शन हो तो वहाँ पे। इस वजह से मेरे चैनल के ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर थे पहले तो। लेकिन जब पिछला हमें गिफ्ट मिला, फर्स्ट गिफ्ट, तो उस पर जो है ना वो हमारी वीडियो जो है ना वो थोड़ा वायरल हो गई, अब उसके व्यूज़ 3 लाख से अबव हो चुके हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी काफ़ी आए और हमारे व्यूज़ भी कुछ जो है ना अच्छे हो गए। लेकिन उससे पहले तो कुछ भी व्यूज़ नहीं थे, बस 2-3 के थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कुछ अच्छे व्यूज़ आ रहे थे 2-3 माह, तो माह रमज़ान के महीने में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। तो उसके बाद जो है ना व्यूज़ बिल्कुल ही रुक गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहे। तो तकरीबन 4 दिन हो गई हैं जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो 2-3 के बस व्यूज़ आते हैं। तो इस मंथ जो पिछला था उसकी जो हमें पेमेंट मिली है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ, तकरीबन पेमेंट हमें मिली है, ये देखिए आप लोग के सामने है, 15,000। तो पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी पेमेंट की, तो हमने नहीं बताई थी, लेकिन अक्सर कमेंट आए थे कि कुछ भी नहीं होता ऐसे, तो आप लोग जो है ना बता दिया करें। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी वीडियो में झूठ नहीं बोला और मैं सच बोल रही हूँ। तो पहले 1-2 पेमेंट 25 के 30 के मिलती रही, लेकिन जब पिछले मंथ की पेमेंट हमें मिली है वो 15 के सारी है, क्योंकि व्यूज़ चाहे जितने भी ज़्यादा हो, लेकिन हमारा वॉच टाइम जो था वो 1 मिनट आ रह गया है। पहले 3-4 मिनट चलो वॉच टाइम आता था, जिसकी वजह से डॉलर आ जाते थे, लेकिन अब डॉलर जो है वो 2-3 पे आके रुक गए हैं, आगे बढ़ भी नहीं रहे, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी कम हो गई है और हमारा चैनल जो है वो अब बिल्कुल ग्रोथ उसने ख़त्म कर दिया, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम। तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, तो 3-4 दिन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे वीडियो बना के उसको अपलोड करने में भी 1 घंटा लग जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि व्यूज़ आते नहीं हैं, वीडियोज़ भी बनाएँ। तो आप लोग उससे प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखा करें, तो पूरी देखा करें, तकरीबन आधी ज़रूर देखा करें, ताकि 3-4 के व्यूज़ पर भी कुछ डॉलर आ जाएं, इसका वाइट टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात से मुतफिक होंगे। और अभी देखें सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने पर है,
और मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज जो है ना मैं अब तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं दिन को व्लॉग बना लेती हूँ। शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब पकौड़े बनाए थे, तो उसके बाद छुट्टी हो गई सिस्टर मेरी, हमने कहा अब शाम को नहीं वीडियो बनानी, क्योंकि फिर शाम को अपलोड करते करते 1-2 घंटे लग गए, सिग्नल्स भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, किचन में बैठे रहे। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना अब सोचा है कि दोपहर को दिन को सुबह ठंडे टाइम तो व्लॉग बनाया करेंगे। और आज अब तकरीबन 6:30 का टाइम है, मौसम अच्छा हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से अच्छी वीडियो शेयर कर दूं, तो आप लोग को बता दूं। और तो आजकल जैसे आप लोग हालात देख रहे हैं हमारे मुल्क के, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। तो अभी वीडियोज़ आ रही हैं पेट्रोल के बारे में कि इतना महंगा हो गया, अक्सर तो हमने देख रहे हैं यूट्यूब पर भी हर जगह पर लोग जो है ना शेयर कर रहे हैं कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, कैसे जो है ना अब हालात अच्छे होंगे। बाकी जैसे घर के सौदे वगैरह हो जाते हैं, घी चीनी, वो भी उनके रेट भी डबल से ट्रिपल हो गए हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं, जैसे जो झोपड़े में रहते हैं, हम तो फिर भी अल्लाह का करम है, जो गरीब झोपड़े में रहते हैं वो कैसे घर का खर्चा चलाते होंगे, इतना घी महंगा, वो तो सालन भी नहीं बनाते होंगे। तो फिर भी हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, चलो हमारे पास इतना तो है। तो जो गरीब हैं उनके बारे में भी हमें कभी सोच आती है तो बहुत ज़्यादा दिल को दुख होता है, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे भी पहले हालात ऐसे ही थे। तो अब जो है ना मैंने बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जो मेहनत करते हैं वीडियोस बनाते हैं, तो फिर जो है ना आप लोग उससे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे पूरी देखा करें, पूरी वॉच किया करें, जो अक्सर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और ना ही वीडियो जो है ना फुल वॉच करते हैं, तो उनसे बल्लीज यही रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप लोग को। तो यह सब आप लोग की मर्ज़ी है। और अभी चलते हैं, तो आज जो है ना हम छोटी सी दावत कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हमने अपने भैंस के दूध से जो है ना खीर बना के बांटनी है बच्चों में। तो अभी अम्मी जो है ना वो बना रही है, मैंने कहा कि मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी, क्योंकि आज हम शाम का खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे, तो बस खीर ही बनाएंगे, सामान अबू ले आए थे तो वही जो है ना अम्मी खुद बना रही हैं। और अभी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। तो 15,000 से तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जैसे हालात देख रही हैं तो घर का जो ख़र्चा होता है, जैसे सब्ज़ी चौक पे लेने जाना पेट्रोल का और घर के जो महीने का खर्चात होते हैं, तो वो भी 15,000 से ज़्यादा अबव हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी टेंशन है, परेशानी है। तो आप लोग से प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ने जो है ना वीडियो फुल वॉच करनी है और वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि हमारे डॉलर जो है वो उनमें थोड़ा इजाफा हो और जो है ना हमारे पेमेंट कुछ अच्छी आए। तो इंशाल्लाह आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अभी चलते हैं, आप लोग को अपनी दावत दिखाते हैं। अभी मैं जना सहन में पहुंची हूँ, तो दावत दावत तो तैयार हो भी गई, अम्मी ने जो है ना दावत बांट भी ली है सारे घर वालों में, और देखे फरहान ने अपनी प्लेट ख़त्म भी कर दी है। तो अबू भी अभी खा रहे हैं, क्योंकि खीर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो का भी यहीं पे करते हैं एंड। तो मिलेगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।